सवाल जवाब सेक्शन में आपका स्वागत है। तो आज का शीर्षक है सवाल, क्या विश्वासी भी परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे? तो इसको जानने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि बाइबल दो न्याय आसनों के विषय में कहता है। पहला परमेश्वर का न्याय आसन, दूसरा श्वेत सिंहासन। दोनों न्याय आसनों पर यीशु ही बैठेगा, क्योंकि यूहन्ना 5:22 कहता है, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। तो पहला परमेश्वर का न्याय आसन। दूसरे कुरिन्थियों का 5:10-11 कहता है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। मतलब मसीह सबके हृदय का हाल जानता है कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। मतलब शरीर में उसने जो भी काम किए, एक विश्वासी ने भले और बुरे दोनों काम, उसके आधार पर उसका न्याय होगा। सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। तो पौलुस उनसे विनती कर रहे हैं कि ये जो न्याय आसन है यीशु का, जिसको हम परमेश्वर का न्याय आसन बोलते हैं, उसके सामने विश्वासी भी खड़ा होगा। उसी के आधार पर वो उनको समझा रहे। तो कुछ ये सिखाते हैं कि विश्वासी जो है वो अपने बुरे कर्मों के लिए परमेश्वर के न्याय आसन के सामने दंडित किए जाएंगे। पर क्या परमेश्वर ने यीशु के लहू से विश्वासियों के सारे पाप क्षमा नहीं कर दिए थे क्रूस पर? कौन से पाप? पैदा होने के दिन से लेकर मरने तक के दिन के सभी पाप, उन सबका दंड यीशु ने भुगत नहीं लिया था? रोमियो का 8:1 क्या कहता है, सो अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, यानी विश्वास करता है पिता परमेश्वर की जिसने यीशु को भेजा, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना 3:18, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। तो यहां पर तो यह लिखा हुआ है कि दंड की आज्ञा नहीं होगी। क्या कोई मसीही अपना उद्धार खो सकता है? नहीं खो सकता, क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी कि जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपको क्या मिला? उसी समय अनंत जीवन। अगर वो उद्धार खो सकता है और वो अनंत जीवन छीन सकता है, तो जो आपको मिला था वो तो फिर अनंत जीवन हुआ ही नहीं। इटर्नल लाइफ, जिसका कोई अंत नहीं है, वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसलिए उद्धार खो नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने हमारे सभी पापों का दंड भुगत लिया है पहले ही। इसके लिए आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है क्या उद्धार खो सकता है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया गया है। तो इब्रानियों का 10:17 कहता है, फिर परमेश्वर यह कहता है कि मैं उनके पापों को, यानी कि विश्वासियों के पापों को, और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। यह नया नियम में लिखा हुआ है। तो फिर वो यह क्यों कहता है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का हिसाब देगा? तो कौन से बुरे काम? यहां पर जो शब्द बुरे, जो ट्रांसलेशन है हिंदी में, इसका जो यूनानी मूल शब्द है वो अंग्रेजी में बनता है वर्थलेस, जिसका मतलब हिंदी में निकल के आता है अयोग्य। ऐसे कुछ कार्य जो एक विश्वासी के लिए योग्य नहीं है, यानी कि वो विश्वासी के अयोग्य कार्य है, वो बुरे काम। उदाहरण के तौर पर समझ लो कोई चर्च में टाइथ यानी दशमांश देता है, और दुगुना देता है या तिगुना देता है, लेकिन उसके मन में घमंड है कि मेरे दशमांश देने से ही ये कलीसिया चलती है, तो वो एक विश्वासी के लिए अयोग्य कार्य हो जाता है, वो उसके योग्य नहीं है।
या फिर दूसरा है कोई जो आराधना का लीडर है, वर्शिप लीडर है, बहुत अच्छा गाता है वो, तो कभी कभी उसके मन में ये घमंड आ जाता है कि मेरे बिना तो कलीसिया का काम चल ही नहीं सकता, इतना अच्छा तो कोई गाता ही नहीं है इस कलीसिया में, तो वो उस विश्वासी के योग्य नहीं होता, अयोग्य हो जाता है उसके लिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी विधवा की मदद कर रहा हो, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में उस विधवा के लिए व्यभिचार भी हो, तो वो अयोग्य हो जाता है उस विश्वासी के लिए, जो एक विश्वासी के लिए योग्य नहीं समझा जाता परमेश्वर की तरफ से। तो अब उसे दंड आज्ञा तो होगी नहीं, जैसे मैंने वचनों में बताया, और ना ही उसका उद्धार खोएगा, जैसे बहुत सारी आयतें आप मेरे संदेश में देखेंगे जो उस बात की पुष्टि करती है। तो एक विश्वासी कैसे देगा अपने अच्छे बुरे कामों का हिसाब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने, यानी कि यीशु के न्याय आसन के सामने। परमेश्वर का न्याय सिंहासन को हम जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में, और साथ में उसको बीमा सीट जजमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो बीमा शब्द है, BEMA, ये एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है एक ऐसा चबूतरा या एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो थोड़ा सा उठाया गया है, ऊंचाई पर है वो थोड़ा सा। तो जो हमारे चार सुसमाचार हैं उसमें मत्ती 27:19 और यूहन्ना 19:13 में जो पुंतियुस पिलातुस के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिस सिंहासन पर वो बैठकर न्याय करता था, उसके लिए भी यही शब्द बीमा इस्तेमाल किया गया था, जो थोड़ा सा उठा हुआ था, तो वहां से वो न्याय करता था। लेकिन जब पौलुस ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, बीमा सीट का, अपनी पत्रियों में, तो उसने उसका इस्तेमाल वैसे ही किया जैसे मूल रूप से यूनानी करते थे, जो कि एक खेल कूद प्रतियोगिताओं से जुड़ा हुआ था। तो पौलुस ने बीमा शब्द का जो उपयोग किया उसमें इस्थमियन गेम्स होते थे यूनान में, और जैसे कि आपने सुना ओलंपिक्स होते हैं, ठीक वैसे ही इस्थमियन गेम्स होते थे जिसमें सभी प्रतियोगी कड़ा मुकाबला करते थे पुरस्कार के लिए। तो जो जजेस होते थे, जो रेफरीज होते थे, वो सूक्ष्मता से इस बात की जांच करते थे कि प्रतियोगियों ने सभी नियमों को ठीक से पालन किया है कि नहीं। जैसा कि 2 तिमोथियस 2:5 में लिखा है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। तो ये खेल कूद प्रतियोगिताओं से जुड़ी हुई कुछ आयते हैं। तो जो विजय होता था, जो सारे रूल्स यानी सारे नियमों को भली भांति निभा कर विजय होता था, ऐसे विजेता को जो जज होता था उस खेलकूद प्रतियोगिता का, वो उसे ले जाता था बीमा सीट पर, यानी कि उस चबूतरे पर जो ऊंचा है, और उसे सम्मानित किया जाता था, एक लारेल का ताज, एक मुकुट उसको पहनाया जाता था उसके सिर पर, जो चिन्ह होता था विजय का, यानी वो विजेता घोषित कर दिया जाता था। पहले ग्रंथियों का 9:24-25, पौलुस ने भी यही किया, उसने भी खेल कूद से जोड़ा इन सब बातों को। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है? तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, पर हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाएगा नहीं। तो पौलुस क्या कर रहा था वहां पर, वो एक विश्वासी का चित्र जोड़ रहा था एक प्रतियोगी के साथ, कि जैसे एक प्रतियोगी होता है वैसे एक विश्वासी होता है। हम लोग आत्मिक प्रतियोगी हैं और आत्मिक मुकाबला लड़ रहे हैं इस संसार में। तो जैसे यूनान का जो प्रतियोगी होता था वो बीमा सीट के सामने लाया जाता था एक ऐसा मुकुट पाने के लिए जो नष्ट हो जाता है, वैसे ही पौलुस कह रहा है कि जो विश्वासी होता है वो यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने, यानी जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर का न्याय आसन, बीमा सीट, उसके सामने वो वैसा मुकुट पाएगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। तो बीमा सीट पर क्या होता था, जिसको सम्मानित किया जाता था उसे एक ताज पहनाया जाता था, एक मुकुट पहनाया जाता था, लेकिन जो लोग विजय नहीं होते थे उसमें, उनके साथ कोई दंड नहीं होता था, उनको उनको कभी दंडित नहीं किया जाता था या उन्हें कोड़े नहीं लगाए जाते थे कि तुम क्यों नहीं जीते। वो होता था बीमा सीट जिसका पौलुस ने इस्तेमाल किया। दूसरे शब्दों में यीशु के बीमा सीट के समय या तो आपको पुरस्कार मिलेंगे विश्वासियों को, या फिर उन पुरस्कारों की आपको हानि होगी जो आपको मिल सकते थे। पर ये वो समय नहीं है जहां विश्वासियों के जो अयोग्य कार्य होते हैं, यानी कि जो विश्वासियों के योग्य नहीं होते, ऐसे जो कार्य हैं उनका दंड नहीं होगा, क्योंकि दंड तो विश्वासियों के लिए है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, यीशु के द्वारा, जो न्याय पर बैठा है, हम सबके पूरे पापों का दंड पहले ही भुगत लिया है।
अब यही बात पौलुस समझा रहा है कि तो फिर ये क्या है कि पुरस्कार जो मिलेंगे और जो नहीं मिलेंगे यानी हानि होगी अयोग्य कार्यों के लिए, वो उसने पहले ग्रंथियों का 3:11 से 15 में समझाया। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। तो जो नींव है फाउंडेशन, वो तो यीशु मसीह है। उसके बाद क्या करते हैं हम विश्वासी? और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है, यानी कि हम एक अपनी अब बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें कोई भी मटेरियल वस्तु जो हम यूज करते हैं, सोना भी हो सकती है, चांदी भी हो सकती है, लकड़ी भी हो सकती है, बहुमूल्य पत्थर भी हो सकता है, या फिर घास फूस भी हो सकती है, तो हर एक के काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, यानी जब यीशु आएगा परखेगा सबके कामों को, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा यीशु और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। मतलब ये है कि आपने जिस चीज से यीशु की नींव पर बिल्डिंग बनाई, उसका मतलब ये है कि आपने जो जो कार्य यीशु के लिए किए वो आपने किस मन से किए, उसके पीछे क्या उद्देश्य थे, ये उस समय परखा जाएगा और उसी के आधार पर ये न्याय होता है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, अर्थात उस काम के आधार पर उसको सम्मानित किया जाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा। मतलब ये कि कुछ अयोग्य काम, जिसको हम बुरे काम कह सकते हैं विश्वासियों के लिए, या बुरे मन से किए गए या बुरे उद्देश्य से किए गए, वो हानि उठाएंगे। हानि किस चीज की? उन पुरस्कारों की जो उन्हें मिल सकते थे लेकिन अब नहीं मिलेंगे। पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। फिर भी वो बच जाएगा, उसका उद्धार नहीं खोएगा, उसे दंडित नहीं किया जाएगा। तो हम जब कहते हैं मजदूरी पाएगा, तो मजदूरी किस चीज की होती है? हमेशा अपने काम होगी। ठीक उसी तरह हमें मुकुट दिए जाएंगे, सम्मान दिया जाएगा। तो बीमा सीट जो परमेश्वर का न्याय आसन है, जिस पर यीशु बैठेगा, उस पर विश्वासियों को उनके कामों के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। कौन से काम? परमेश्वर की सेवकाई, जिसके लिए हमें परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया था अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर। इफिसियों का 2:10 क्या कहता है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। मतलब परमेश्वर को पहले से मालूम था कि हम यीशु को स्वीकार कर लेंगे और विश्वासी बन जाएंगे। उसी पूर्व ज्ञान के आधार पर उसने हमारी सेवकाई की योजना पहले ही बना ली थी, जिस पर अब हमें चलना है। तो परमेश्वर ने हमें कुछ प्राकृतिक योग्यताएं यानी नेचुरल टैलेंट हमें दिए हैं, हर एक को दिए हैं, और उसने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स यानी आत्मिक दान भी दिए हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर की सेवकाई में। जैसा कि लूका 19:11 से 27 में लिखा था कि एक धनी मनुष्य जो दूर देश को जाता है, वो अधिकार पाने के लिए, राजपथ प्राप्त करके वापस लौटने के लिए, तो वो अपने दासों को बुलाता है, 10 दासों को, और सबको 10-10 मोहरे देता है और बोलता है कि इनसे व्यापार करो, बिजनेस करो। तो जब वो वापस आता है तो उन दासों को इकट्ठा करता है, तो एक दास कहता है कि हे स्वामी, तेरे जो 10 मोहरे थी उससे मैंने 10 और बनाए। तो वो मनुष्य क्या कहता है? तुम 10 नगरों पर अधिकार रखोगे। दूसरा कहता है कि मैंने तेरी 10 मोहरों से 5 मोहरे कमाई है। तो कहता है बहुत अच्छा किया तुमने, तुम 5 नगरों पर हाकिम हो जाओगे। तो यीशु क्या समझा रहा था? कि सबको पुरस्कृत किया जाएगा उनके कार्यों के आधार पर। इफिसियों का 6:8 कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। न्याय करने वाला यीशु मसीह सबको उनके कामों के आधार पर ही पुरस्कृत करेगा। तो हर विश्वासी समान नहीं होता। विश्वास कर लेते हैं लोग, लेकिन उसके बाद उस विश्वास का वो क्या करते हैं, जैसे उन दासों ने किया। क्या आप और 10 मोहरे कमाना चाहते हैं? जो कुछ भी आपको दिया गया है, टैलेंट, आत्मिक दान, आप हो सकता है कि आप बाइबल सिखा सकते हो सकता है कि आप परमेश्वर की आराधना में बहुत आगे हो, प्रार्थना में बहुत आगे हो, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हो, अलग अलग जो दान दिए हैं आपको पवित्र आत्मा ने, और जो टैलेंट है आपके अंदर, उन सबको लेके आप यीशु की जो सेवकाई करेंगे, उन्हीं के आधार पर आपको यीशु के न्याय आसन पर पुरस्कृत किया जाएगा। और अगर कोई कार्य ऐसा होगा जो अयोग्य होगा किसी विश्वासी के लिए, उसे दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन जो पुरस्कार उसको मिल सकता था, सच्चे मन से दशमांश देकर, सच्चे मन से वर्शिप लीडर बनकर, वो पुरस्कार उसको उसकी हानि हो जाएगी, उसे मिलेगा नहीं वो पुरस्कार। तो बाइबल जो है वो अलग अलग मुकुटों के बारे में बताता है, क्राउन्स,
2 तीमुथियुस 4:8 में वो बोलता है धर्म का मुकुट, याकूब 1:12 जीवन का मुकुट, 1 पत्रस 5:4 महिमा का मुकुट। तो ये मुकुट के बारे में बार बार बाइबल क्यों सिखा रहा है? इसका मतलब तो यही हुआ कि कुछ लोगों को वो मुकुट मिलेगा, जैसे वो इस्तमियन गेम्स में जो प्रतियोगियों को मिलता था उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो जरूर उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा मसीह के लिए जिसके आधार पर उनको ये मुकुट दिए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 22:12 क्या कहता है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मतलब पुरस्कार, रिवॉर्ड्स। तो वो कहता है हर एक के लिए मेरे पास प्रतिफल है, रिवॉर्ड्स है। कितने मौके दिए गए आपको वचन सुनकर उसको अपने जीवन में लागू करने के? कितने मौके दिए गए आपको अपनी योग्यताएं, नेचुरल टैलेंट्स और पवित्र आत्मा के दानों को इस्तेमाल करने के परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी सेवकाई के लिए, उसको बढ़ाने के लिए? उन सब के आधार पर सबको अलग अलग पुरस्कार मिलेंगे, लेकिन अयोग्य कामों को दंडित नहीं किया जाएगा। तो ये बीमा सीट जजमेंट यानी यीशु का न्याय आसन कब होगा? ये होगा रैप्चर के बाद। रैप्चर मतलब मसीहियों का उठा लिया जाना, जहां पर हम बादलों में यीशु से मिलेंगे। सारे मृत मसीही और सारे जीवित मसीही पलक झपकते बदल लिए जाएंगे हम और उठा लिए जाएंगे, जैसा कि 1 थिस्सलुनीकियों 4:13-17 में लिखा हुआ है। और उसके बाद आएगा मसीह विरोधी राजा जो सारे संसार को अपने अधीन ले लेगा, और शुरू होगा भारी क्लेश का समय, जैसा मत्ती 24:15-31 में लिखा है। और उस भारी क्लेश के समय के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। तो जब वो 7 साल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद यीशु वापस आता है, जिसको हम यीशु का दूसरा आगमन बोलते हैं। यीशु वापस आता है स्वर्ग की सेनाओं के साथ, सारे विश्वासियों के साथ। तो जब मसीहियों को उठा लिया जाएगा, और वो जो 7 साल जिसमें भारी क्लेश का समय इस संसार में होगा, उस समय हम यीशु के साथ आनंद मना रहे होंगे और हमें पुरस्कार दिए जा रहे होंगे उन सभी कार्यों के लिए जो हमने परमेश्वर के राज्य के लिए किया, जो यीशु के लिए किया। श्वेत सिंहासन, द व्हाइट थ्रोन जजमेंट। तो आप बात करते हैं श्वेत सिंहासन की, द व्हाइट थ्रोन जजमेंट। श्वेत सिंहासन पर भी यीशु ही बैठकर न्याय करेगा, क्योंकि न्याय करने का सारा अधिकार पिता ने यीशु को दिया हुआ, जैसे हमने यूहन्ना 5:22 में पढ़ा। लेकिन यीशु के श्वेत सिंहासन पर केवल अविश्वासी खड़े होंगे न्याय के लिए, विश्वासी नहीं होंगे वहां पर। प्रकाशित वाक्य 20:11-15 में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है यानी यीशु मसीह देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। तो वो अवस्था कुछ ऐसी होगी कि बहुत भयभीत करने वाली होगी। क्यों? क्योंकि उनके सामने जो खड़े होंगे वो अविश्वासी होंगे, जिनको दंडित किया जाने वाला है। तो पुस्तकें खोली जाएंगी और हर एक अविश्वासी को उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। और 15वीं आयत कहती है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिले, वह आग की झील में डाला जाएगा यानी नरक में डाला जाएगा। अविश्वासियों का न्याय उनके कामों के आधार पर होगा। अब क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार ही नहीं किया था, तो जाहिर है उनके जो काम थे वो पाप से भरे हुए थे, तो इसलिए उन्हें नरक की आग में डाला जाएगा। न्याय का अर्थ ये नहीं है कि वहां जितने भी अविश्वासी खड़े होंगे उनमें से कुछ लोगों के कामों को परखा जाएगा और उन्हें धर्मी ठहराकर स्वर्ग ले जाया जाएगा। नहीं, जितने भी अविश्वासी वहां खड़े होंगे उन सबको नरक की आग में डाला जाएगा। लेकिन वहां खड़े होने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि परमेश्वर उन्हें दिखाएगा कि उनके जीवन में कितने पाप थे और उन्हें कितने मौके दिए गए यीशु मसीह के बलिदान से अपने पापों की क्षमा मांगकर उद्धार पाने का, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो न्यायशील परमेश्वर जो है उन्हें अच्छे से दिखाएगा कि उन्हें नरक में क्यों डाला जा रहा है, उसके बाद उन्हें नरक में डाला जाएगा। अब कुछ लोग ये सिखाते हैं कि नए श्वेत सिंहासन के सामने तो विश्वासी और अविश्वासी दोनों खड़े होंगे न्याय देने का। तो ये बाइबल पर आधारित नहीं है, क्योंकि जो विश्वासियों के लिए जो परमेश्वर का न्याय आसन है वो अलग है, वो पुरस्कार देने के लिए है। और जो श्वेत सिंहासन है उसमें परमेश्वर का कोप यानी उसका क्रोध अविश्वासियों पर आएगा। तो दोनों में बहुत अंतर है। जो घटनाएं होंगी वो इस क्रम से होंगी। सबसे पहले क्या होगा? रैप्चर मतलब मसीहियों का उठा लिया जाना। उसके बाद 7 साल का भारी क्लेश जो मसीह विरोधी शासक के अधीन होगा। 7 सालों के अंत के बाद मसीह सफेद घोड़े पर स्वर्ग की सेनाओं के साथ और सभी विश्वासियों के साथ
वापस आएगा और अविश्वासियों का नाश कर देगा इस संसार में से। प्रकाशित वाक्य 19 में ये सब लिखा हुआ है। और पशु जिसको बोल रहे हैं यानी कि मसीह विरोधी जो शासक होगा और उसका जो सहयोगी झूठा भविष्यद्वक्ता, इन दोनों को जीते जी उस आग की झील में डाल दिया जाएगा जो गंधक से जलती रहती है। तो इन सबके बाद ये लिखा हुआ है कि जब ये सारे अविश्वासी मार दिए जाएंगे यीशु मसीह के द्वारा, उसके बाद यीशु मसीह का 1000 साल का मिलेनियल किंगडम यानी 1000 साल का ऐसा राज यीशु का जो वो यरूशलेम से करेगा, संसार में शांति होगी पूर्ण रूप से, जहां पर एक मेमना और शेर साथ साथ बैठ सकेंगे, ऐसा राज यीशु का आएगा। तो प्रकाशित वाक्य 20 में उसके आगे लिखा हुआ है कि शैतान को जंजीरों से बांधकर उसे 1000 साल के लिए, जब यीशु का जो मिलेनियल किंगडम जो राज चल रहा होगा यहाँ पर, तो उसको अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा ताकि वो जाकर जगत के लोगों को भ्रमित ना कर सके। 1000 साल तक के लिए शांति रहेगी संसार में, लेकिन 1000 साल के बाद उसे अथाह कुंड से निकाल लिया जाएगा। वो फिर जाकर जगत के राज्यों को भरमाएगा, बहुत से शासकों को भरमाएगा, और जैसा बाइबल सिखाता है कि वो सारे शासक जो मसीह को उस मिलेनियल किंगडम में भी यीशु को अपना प्रभु नहीं स्वीकार करना चाहते, वो सब मिलकर आएंगे यीशु के विरोध में, लेकिन स्वर्ग से आग आएगी और उन सबको नष्ट कर दिया जाएगा। तो जितने भी लोग मसीह के विरोधी थे वो सब एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, और उनको भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु यानी मसीह विरोधी राजा और उसका जो झूठा सहयोगी झूठा भविष्यद्वक्ता, वो दोनों पहले से हैं, शैतान को भी वहां डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये सब कुछ होगा यीशु के 1000 साल के राज के बाद। इन सब के बाद फिर 11वीं आयत ही कहती है प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। मतलब ये कि जब मसीह दोबारा आएगा उसके बाद सारे विश्वासियों का नाश हो जाएगा, तब कौन रह जाएंगे इस पृथ्वी पर? वो विश्वासी जो अभी भी शरीर में है लेकिन वो इस भारी क्लेश से बच निकले, वो मरे नहीं, उनसे शुरू होगा यीशु का राज दोबारा से। तो फिर उनके भी बच्चे होंगे और जनसंख्या बढ़ती जाएगी। तो 1000 साल तक यीशु जब राज करेगा जरूसलम से, तभी भी मनुष्य को अपनी इच्छा से चुनने का अधिकार होगा, ठीक वैसे जैसे आदम को था, फ्री विल जिसको बोलते हैं। तो उसके आधार पर बहुत से लोग फिर से मसीह को अपना प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आदम के पाप का स्वभाव तो उन लोगों में भी होगा जो भारी क्लेश से बच निकले थे, वो तो मनुष्य थे। जो उठा लिए गए उनमें रूपांतरण हो जाएगा, वो बदल दिए जाएंगे और उनका पाप का स्वभाव खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मनुष्य रह जाते हैं वो उस भारी क्लेश के बाद भी जब मिलेनियल किंगडम में एंटर करेंगे यानी कि मसीह के 1000 साल में, तो उनके अंदर फिर भी पाप का स्वभाव होता है और उनके बच्चों में भी आता है। तो जो लोग मसीह का विरोध करेंगे उस समय, और शैतान को जब छोड़ दिया जाएगा अथाह कुंड में से, तो वो सब जब मसीह के विरोध में आएंगे तो मसीह उन सबको समाप्त कर देगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे अविश्वासी जो मसीह के दूसरे आगमन से पहले मर गए थे, और बहुत सारे अविश्वासी जो मसीह के राज में होंगे, इन सबका न्याय अंत में श्वेत सिंहासन के सामने होगा जिसके बारे में यहां लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा? जो विश्वासी थे वो तो बहुत पहले ही उठा लिए गए थे, उनको तो इस भारी क्लेश से गुजरना ही नहीं पड़ा था, तो वो क्यों खड़े होंगे श्वेत सिंहासन के सामने? वो सिर्फ बीमा सीट यानी जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, जो परमेश्वर का जो न्याय आसन है जिसपे यीशु बैठेगा, पुरस्कारों के लिए उन कामों के आधार पर जो उन्होंने यीशु के लिए किए उसके लिए खड़े होंगे। लेकिन अविश्वासियों को श्वेत सिंहासन के सामने पहले पुस्तकें खोलकर दिखाई जाएंगी, फिर उन्हें आग की झील में डाला जाएगा। तो अब आप जानते हैं इस बात को कि बहुत मौका दिया जाएगा सबको, उसके बावजूद भी बहुत से लोग श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे, अविश्वासी जिनका अंत है आग की झील। तो जब आप इस सच्चाई को जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि आपके बहुत से मित्र रिश्तेदार जिनसे आप शायद प्रेम करते हैं या पड़ोसी भी हो सकते हैं जो बहुत भले हैं, वो सब नहीं जानते इन बातों के बारे में, शायद वो किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। तो क्या आप इस सुसमाचार को लेकर
जो यीशु मसीह ने हमें बाइबल से दिया, उन लोगों के पास जाना चाहेंगे ताकि उनको इस श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा ना होना पड़े। आमेन। मिलेनियल किंगडम यानी यीशु का 1000 साल का राज्य पृथ्वी पर, यह राज उन लोगों के साथ शुरू होगा जो 7 साल के भारी क्लेश के समय यीशु पर विश्वास कर लेंगे और जीवित बचे होंगे। फिर उनकी पीढ़ियों से जनसंख्या बढ़ेगी। जो विश्वासी रैप्चर के समय उठा लिए गए थे वे यीशु के राज में उसके सहायक होंगे।